एल्विश यादव की रेयर पार्टी केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है। नोएडा पुलिस के मुताबिक पुलिस पूछताछ में एल्विश यादव ने बताया कि सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरी अपनी शूटिंग के लिए करता था। एल्विश यादव से मंगलवार रात करीब 4 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसके बाद एल्विश से कई सवाल किए गए, जिनमें से कुछ के जवाब पुलिस को एल्विश ने दिए हैं। नोएडा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब वायरल वीडियो को लेकर एल्विश यादव से सवाल पूछा गया तो एल्विश ने जानकारी दी कि सांपों का अरेंजमेंट फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। उसी सेट का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो एल्विश ने शुरू के इस आसान सवालों का आराम से जवाब दिया, लेकिन बाद में गोलमोल बातें करने लगे। एल्विश को फिर से पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। बता दें कि विख्यात यूट्यूबर एल्विश पर आरोप लगे हैं कि वो रेव पार्टी में सांपों के जहर को सप्लाई और लड़कियों को सप्लाई करते थे। इस मामले में पुलिस ने 5 सपेरों को सांपों के साथ पकड़ा था, जिनका जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाता था। पुलिस ने मंगलवार रात को पूछताछ के बाद एल्विश को फिर से बुलाया था, लेकिन एल्विश पुलिस की पूछताछ में दोबारा नहीं पहुंचे। फिलहाल पुलिस इस नए एंगल पर जांच को आगे बढ़ा रही है। इस मामले में नोएडा डीएफओ पीके श्रीवास्तव ने यह भी बताया है कि पकड़े गए 9 सांपों का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कोबरा प्रजाति के 5 सांप का विष निकलने की पुष्टि हुई है, और सांप का विष निकालना पशु क्रूरता अधिनियम में आता है। इस मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे सांपों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए हमने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध किया था। उन्होंने एक पैनल गठित किया था जो डिप्टी CBO और 2 डॉक्टर्स का था। 3 लोगों का पैनल था जिसने इसकी जांच की। जांच में 3 मुख्य तत्व पाए गए कि ये सांप जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने के लिए स्वस्थ हैं। नंबर 2, इनमें से जो 9 सांप थे उसमें 4 सांप नॉन पॉइजनस थे, 5 सांप पॉइजनस थे जो कोबरा प्रजाति के थे। इनमें सांपों में जो विष का ग्लैंड होता है यानी वेनम ग्लैंड, वो नहीं पाया गया। सांपों को छोड़ने के लिए माननीय न्यायालय में हमारे अधिकारी ने आवेदन किया था। माननीय CGM द्वारा उसको रिलीज किए जाने का निर्देश प्राप्त होने के क्रम में एक कमेटी बना करके हमारे अधिकारियों ने उसे सूरजपुर के जंगल में छोड़ दिया। यानी ये कहे कि सांपों की जो ग्रंथि होती है वो निकाल ली गई। जी जी, निकाल ली गई। ये एक इंट्रोगेशन होगा तो इसमें इस बात पर हम लोग जांच करेंगे कि ऐसा क्यों, किन परिस्थितियों में किया गया। ये पूरा मामला जब सामने आया था, जब पीपल फॉर एनिमल NGO ने नोएडा पुलिस से इस पूरे मामले की शिकायत की, फर्जी क्लाइंट बनकर रेव पार्टी के लिए सपेरों को बुलाया था। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मौके से 5 सपेरों को सांपों के साथ पकड़ लिया था, जिनका जहर रेव पार्टी में इस्तेमाल किया जाना था। इसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव का नाम भी दर्ज किया था, जिसमें सबूत के तौर पर एक कॉल रिकॉर्डिंग पेश की गई थी।